नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। रेलवे ग्रुप डी के छात्रों के लिए अभी अभी आरआरबी भर्ती बोर्ड ने सबसे बड़ी खुशखबरी जारी कर दी है। जितने भी हमारे छात्र रेलवे ग्रुप डी की फाइनल आंसर की फाइनल कट ऑफ का वेट कर रहे थे, नया नोटिस आप सभी के लिए, आप सभी का वेट खत्म होता हुआ, रिजल्ट का वेट खत्म होता हुआ। आज की वीडियो रेलवे ग्रुप डी के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो अंत तक बने रहे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कर ले, ताकि आगे भी ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आप सभी तक सबसे पहले बिल्कुल सटीक पहुँचाई जाती रहे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के छात्रों का वेट खत्म होता हुआ, अभी अभी आरआरबी भर्ती बोर्ड ने 15 नवंबर 2022 तक की रेलवे ग्रुप डी का जो रिजल्ट है ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जारी करने और साथ ही साथ फाइनल आंसर की को जारी करने का काफी बड़ा अपडेट यहां पे आ चुका है। आपको बता दें 10 नवंबर 2022 तक आप सभी की जो फाइनल आंसर की है विभाग की ऑफिशियल साइट rrbcdg.gov.in पर जारी हो जाएगी। वहीं एक्सपर्ट की माने तो इस बार करीबन 5 से लेकर 8 लाख छात्र जो है आप सभी के प्री यानी कि CBT 1 में क्वालिफाई कर सकते हैं। 5 से 8 लाख छात्र इस बार अगर क्वालिफाई करेंगे तो जैसा कि आपको बता दें, इस बार एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है 60 से लेकर 65 लाख छात्रों ने यहाँ पे जो है एग्जाम दिया है। तो 60 लाख में से कम 8 लाख अगर सिलेक्ट होते हैं, 8 6 48, ठीक है, 8 7 56, वही 7 से 8, यहाँ पे 7-8 कैंडिडेटों पर एक कैंडिडेट सिलेक्ट होगा। तो ऐसे में आपका कंपटीशन तो हालांकि कम हुआ है, क्योंकि 1 करोड़ 15 लाख फॉर्म भरे गए थे, 1 करोड़ 15 लाख फॉर्म भरे गए थे और उसमें से करीबन 50 से 60% के बीच में अटेंडेंस रही है। तो ऐसे में आप सभी का जो कट ऑफ है इस बार जनरल कैंडिडेटों का काफ़ी ज़्यादा कम एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जनरल वालों में जितने भी हमारे छात्र हैं जिन्होंने भुवनेश्वर होगा, गोवा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, चंडीगढ़ हो गया, साथ ही साथ प्रयागराज हो गया, इन सभी जोनों में इस बार कट ऑफ आपका 65 से लेकर 72 के बीच में 200 स्कोर जो है अगर आपका आ रहा है, एक सेम स्कोर बताया जा रहा है। वहीं अगर हम OBC कैंडिडेटों की बात कर ले तो यहाँ पे एक सेम स्कोर आ रहा है आपका 60 प्लस। वहीं हम SC कैंडिडेटों की बात कर ले तो यहाँ पे एक सेम स्कोर आ रहा है 58 प्लस, और ST कैंडिडेटों की बात कर ले तो यहाँ पे एक सेम स्कोर आ रहा है 55 प्लस। तो ऐसे में हमारे जितने भी छात्र हैं आप सभी बता दें, अगर आपका भी स्कोर इतना आ रहा है, और ये आप लोगों के मार्क्स जो है ये आपके नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। आपको बता दें इस बार रेलवे भर्ती बोर्ड ने काफ़ी बड़ी अपडेट जारी कर दी है rrbcdg.gov.in पर। इस बार जो रिजल्ट है, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें रिजल्ट नई जो पद्धति है उसके अनुसार तैयार किया जाएगा। नया जो है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। नॉर्मलाइजेशन में इस बार आप लोगों को भर भर के अंक उन सभी छात्रों को दिए जाएंगे जो कठिन शिफ्ट में पेपर दिए हैं। अगर आपने भी कठिन शिफ्ट में पेपर दिया है तो आप लोग ये मान के चलें आपके 40 से 60 भी हो सकते हैं और 40 से 50 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे अंक बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। और काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है, आप सभी बता दें रेलवे भर्ती बोर्ड 2022 का जो रिजल्ट का वेट है आप सभी का लेटेस्ट अपडेट के अनुसार खत्म होने जा रहा है। आप सभी का 1,03,769 पदों का जो है आपका रिजल्ट है। आप लोगों को बता दें 5 चरण, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 और 5 का रिजल्ट आपका अब 15 नवंबर 2022 तक ऑफिशियल साइट rrbcdg.gov.in पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है जारी हो जाएगा। और काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार आप सभी का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम जाएगा, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्शन भी हुए हैं तो अंक भी अच्छे खासे बढ़ेंगे। आपको बता दें 19 अक्टूबर तक की आंसर की जानी होने के बाद जो है आपका 19 अक्टूबर तक ऑब्जेक्शन सेंड करना था, और यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चन थे जिसपे ऑब्जेक्शन बनता था और उसमें भी अच्छे खासे इस बार अंक बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। तो काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है, रेलवे ग्रुप डी के छात्रों की फाइनल आंसर की भी जो है 10 नवंबर तक ऑफिशियल साइट rrbcdg.gov.in पर जो है जारी हो जाएगी। और आगे भी जो अपडेट आएगी आप सभी तक सबसे